आज के कार्यक्रम के मुकाबले थे माननीय मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल जी, श्री आलोक रंजन जी, श्री टेस्केकर जी, गीता महानंद जी, श्री लेखक खेतान जी, महेश गुप्ता जी व उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारीगण तथा यहाँ पे ढेर सारी सम्मानित अधिकारी, आप सभी का इस अवसर पर मैं क्रेटाई की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने आज विधानसभा के मानसून सत्र के चलते हुए अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, जो कि उनके उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने की सोच को दर्शाता है और यह सोच हम सभी को मनोबल बढ़ाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वर्तमान सरकार के शासन काल में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं सहित प्रदेश के चौमुखी विकास हेतु जो नियमों में सरलीकरण कर अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया है, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ देश नहीं विदेशी भी उत्तर प्रदेश में कारोबार लगा रहे हैं और चारों ओर इस समय उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का माहौल है, जिसका परिणाम है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है एवं प्रदेश का विकास हो रहा है। हमारे प्रदेश में जो विकास पिछले 4 वर्षों में हुआ है उतना विकास पिछले 10-15 वर्षों में नहीं हुआ है। ये हमारे युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच एवं मजबूत इरादों के कारण हुआ है। हमारे प्रदेश में देश एवं विदेश से ख्याति प्राप्त कंपनियां निवेश करने आ रही हैं और पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। हम आपको इस मंच के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम सब आपके साथ हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं की सौगात हम सबको आपकी तरफ से मिली है। समाजवादी आवास योजना, इंटीग्रेटेड हाईटेक टाउनशिप हाउसिंग पॉलिसी, नए बायलॉज जो भवन निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। समाजवादी आवास योजना सरकार का एक सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से समाज के आखिरी वर्ग के लिए गुणवत्ता पूर्व आवास पाने का अवसर उपलब्ध कराया गया है और पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जिसमें ये योजना तेजी से कार्य कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्रेडाई भारत के डेवलपर्स का एक विशाल संगठन है, जिसमें करीबन 11,500 सदस्य है। क्रेडाई का हर सदस्य एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करता है, जिसमें वो हर ग्राहक के हितों का ध्यान रखते हुए पारदर्शिता एवं विश्वास के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रियल एस्टेट सेक्टर अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है और जीडीपी के में योगदान देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। लगभग 250 इंडस्ट्रीज इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी में योगदान करने वाला देश का सबसे बड़ा सेक्टर बनेगा और देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्रेडाई उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते आप को हम सभी क्रेडाई मेंबरों की तरफ से भरोसा एवं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके विकास के रथ को आगे बढ़ाने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और समय समय पर आपसे दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम समाज के सभी वर्गों के लिए एक अच्छे वातावरण में आवास की जरूरत को पूरा करेंगे तथा नई तकनीकों से भवन निर्माण की कीमतों को कम करने का प्रयास करेंगे, जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा क्रेताओं को मिल सके एवं समाज के हर वर्ग को एक मकान अवश्य उपलब्ध हो। हम सभी आपके स्नेह एवं आशीर्वाद के आभारी हैं जो आपने हमें दिया। आज हमारे लिए एक नया दिन है। आज क्रेडाई उत्तर प्रदेश द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका का शुभारंभ किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से हम आपस में कार्यों के सभी वर्गों से साझा कर सकेंगे। ये पत्रिका हमारा एक प्रयास है जिसमें हम सभी अपने सभी कार्यों एवं योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे एवं अपने से जोड़ सकेंगे। मैं क्रेडाई यूपी के अपने सहयोगियों और साथियों का हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से ये पत्रिका का प्रकाशन हो सका।
मैं इन्हीं शब्दों के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद देता हूँ।